हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑल न्यू अपकमिंग 2022 TVS Apache RTR 164B के बारे में, यानी कि Apache 164B के न्यू मॉडल के बारे में। अभी आप लोग इस बाइक से रिगार्डिंग मेरे पास काफ़ी ज़्यादा कमेंट कर रहे थे कि भाई क्या हमको सही पर इस बाइक का न्यू मॉडल इंडियन मार्केट में देखने को मिलेगा, और अगर देखने को मिलेगा तो क्या कुछ न्यू फीचर्स देखने को मिलेंगे, क्या कुछ प्राइस देखने को मिलेगी। तो Apache 164B का न्यू मॉडल आपको जून या फिर जुलाई तक इंडियन मार्केट में देखने को मिलने वाला है। और अगर आप लोगों को इस बाइक के न्यू मॉडल से रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप इस वीडियो को पूरा देख लें। आई होप आपके जितने भी डाउट हैं वो यहाँ पर सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट अपडेट आपको इसके हेडलैम्प में देखने को मिलने वाला है। इसमें आपको फ्रंट में फुल्ली LED हेडलैम्प और LED DRL देखने को मिलेंगी, और इसके हेडलैम्प का डिज़ाइन भी आपको पहले से काफ़ी डिफरेंट देखने को मिलेगा। रियर के साइड में आपको LED टेल लाइट देखने को मिलेंगी, और जो इंडिकेटर्स हैं वो भी आपको LED में ही देखने को मिलेंगे। और इसमें आपको फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल भी देखने को मिलेगा, जिसमें आपको RPM मीटर, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज, सर्विस रिमाइंडर, ट्रिप मीटर, स्मार्ट टेक्स्ट टेक्नोलॉजी, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर, राइडिंग मोड्स और भी कई सारे एडवांस फीचर्स आपको इसके मीटर कंसोल में देखने को मिलेंगे। और इसका पेट्रोल टैंक भी आपको पहले से काफ़ी मस्कुलर देखने को मिलेगा। इसके टैंक पर आपको टैंक काउल और नीचे की साइड में आपको इंजन काउल भी देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको फ्रंट में 100 सेक्शन का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर और रियर में आपको 140 सेक्शन का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर देखने को मिलेगा। तो इसमें आपको काफ़ी अच्छे वाइड टायर्स भी देखने को मिलेंगे, और इसमें आपको फ्रंट में 286mm का डिस्क ब्रेक प्लस सिंगल चैनल ABS और रियर में आपको 240mm का डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाएगा, और जो इंजन है वो पहले से सिमिलर देखने को मिलेगा। इसमें आपको 164.9cc का सिंगल सिलेंडर 4-स्टोक 4-वाल्व ऑयल कूल्ड BS6 FIHOSC इंजन देखने को मिलेगा, जो कि जनरेट करेगा लगभग में 19.2 BHP के अप्रॉक्स पावर और 14.5 Nm के अप्रॉक्स टॉर्क। तो इसकी पावर फिगर आपको बिल्कुल पहले से सिमिलर देखने को मिलेगी, और इसमें आपको वही 5-स्पीड का गेयरबॉक्स देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें अब आपको पहले से काफ़ी रिफाइंड इंजन देखने को मिलने वाला है, यानी कि इस बाइक का रिफाइनमेंट लेवल अब आपको पहले से काफ़ी बेहतर देखने को मिलेगा। और बात कर लें अगर इसकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में, यानी कि इसकी प्राइस के बारे में, तो मान के चलिए इसकी प्राइस यहाँ पर लगभग में 3 से लेकर 4 हज़ार रुपये तक इंक्रीज़ होने वाली है, और बदले में इस बाइक में आपको काफ़ी सारे न्यू फीचर्स और कुछ कॉस्मेटिक अपडेट भी देखने को मिलेंगे। तो अगर आप लोग इस बाइक के ओल्ड मॉडल को परचेस करने की सोच रहे थे तो आप लोग चाहें तो इस बाइक के न्यू मॉडल के लिए वेट कर सकते हैं। और बात कर लें अगर इस बाइक की लॉन्च डेट के बारे में, तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि ये बाइक आपको जून या फिर जुलाई तक इंडियन मार्केट में देखने को मिलेगी। तो इस बाइक के बारे में यही न्यूज़ मुझे आपसे शेयर करनी थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, राइड सेफ, जय हिंद।